और अब हमारे बराबर आ रहे हैं हमारे बीच प्रधान मुख्य अतिथि स्वरूप माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती बेबी रानी जी मौर्य आपसे आग्रह है कि वे पधारे और अपने शाब्दिक भाषिक वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती बेबी रानी जी मंच पर आती फोकस भारत समाचार पत्र के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी, जिला सेशन न्यायाधीश राजस्थान जज श्रीमती रेखा राठौर, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसी कविता तलुका जी और जिन बहनों का यह सम्मान किया गया जो राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति करना चाहती हैं, लोकसभा करना चाहती हैं, वो सबको मिला। सबसे पहले तो हम उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें जो देश की सेवा करते हुए दो दिन पहले शहीद हुए हैं और हम सब मैं और आप सब उन इस दुख की घड़ी में उनके भगवान के साथ ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके भगवान को तसल्ली दे कि वो चैन से आगे का प्रयत्न। कविता जी ने बहुत अच्छा विषय दिया है, वो इसलिए भी धन्यवाद की बात है कि वैसे कहा तो नहीं जाता है कि महिला महिला को आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन कविता ने ये दिया उठाया कि राजस्थान की जो बहनें सशक्त हैं, जो राजनीति करना चाहती हैं, वो राजनीति में कैसे आगे बढ़े। और प्रयास तो धीरे धीरे सफल होती है। रामायण में भी कहा गया कि जब श्री राम जी लंका जा रहे थे तो उनकी लहरी का भी छोटा सा योगदान था और लोग आज तक उसे याद करते हैं। अगर कविता जी ये प्रयास करेंगी तो जितनी बहने हमारी राजनीति में आएंगी, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे विधानसभा में आए, वो सब उनको याद करेंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बुला दिया और मुझे उनका मिशन दे दिए, बहुत अच्छा लगा और मुझे आना ही पड़ा। बहनों, राजस्थान वीरांगी गांवों की धरती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम किए महिलाओं ने जो आज एक उदाहरण है। ये धरती रानी पद्मावती की रानी गणपति और हाटा जैसी वीर नारियों की है, ये धरती त्याग और पर्याग पर्ण धारी की है, ये धरती प्रेम की मूरत मीराबाई की है। आज मुझे यहाँ के जयपुर में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप जैसी महिलाओं के बीच में कुछ अपनी बात रख पा रही हूँ। एक बहुत बड़े का विषय है कि पेड़ों की रक्षा के लिए खेजी नदी में क्रांति हुई। जब राजा के लोग खेजड़ी के पेड़ों को काटने पहुंचे तो अमृता देवी ने उन्हें रोका और बोली कि ये मेरे भाई। वो तब की घटना आज कितनी साक्षात हो रही है। हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों की जो सुरक्षा कर रहे हैं, वो अमृता देवी ने 1730 में एक संदेश दे दिया था कि ये पेड़ हमारे भाई और इनको नहीं काटना चाहिए। उनके विषय में ये राजस्थान में मैं बोल रही हूँ, पता नहीं सही बोल रही हूँ या जैसे सिर साथ के रुक रहे तो भी स्वस्थ हो गया कहते हुए वे पेड़ों से निपट गए। ऐसी वीर भूमि में
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर ये आज का आयोजन वाकई स्वागत के योग्य है। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम केवल बहनों की बात कर रहे हैं। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल सामाजिक आर्थिक रूप से होना चाहिए बल्कि राजनीतिक सशक्तिकरण भी बहुत आवश्यक है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हमारे आधार अधिकार जो कि सतत समावेशी और समाज विकास के लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी महिलाओं को सरकार और राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार होनी ही चाहिए। लोकसभा चुनाव 2014 के समय में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग 65% था, जबकि पुरुषों का मतदान 67% के करीब था। अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में राजनीतिक दलों ने भी महिला मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू की। देश की राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण जो अभी हमारी बहन कह रही थी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो बनाई चाहिए और ये मांग उठाई जा रही है। आज भारत की विदेश मंत्री महिला है, रक्षा मंत्री एक महिला है और लोकसभा की स्पीकर है वो भी महिला है और देश की प्रधानमंत्री भी महिला रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदों पर भी महिला हैं। तो हमारे देश में महिलाओं ने स्थिति कर दिया है कि किसी भी दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकती है। हमारी जज बैठी है, ये भी एक महिला है, अपने अभी कुछ संसदों में चुनावी लड़ी थी, लेकिन अभी भी महिलाओं को जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। बेटी बेटे के भेद को मिटाना होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी देश के कई हिस्सों में बेटियों के जन्म पर माता पिता मायूस हो जाते हैं। परिवार से ही बेटियों और बेटियों में अगर भेद किया जाता है तो फिर वो आगे चलती है राजनीति में कैसे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। यदि राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है तो महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने होगा। तब महिलाएं शिक्षित होंगी और अपने अधिकार मिलेंगे तो निश्चित ही राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। बहनों में यहाँ बैठी बैठी अभी दो तीन विषयों पर बात सोच रही थी जो मेरे मन में आई। सबसे पहले तो महिलाओं में आत्मविश्वास होना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र से आए, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं, जिसके लिए आज सम्मान दिया गया है, आपके अंदर एक भी ये भावना होनी चाहिए कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी और चुनाव करके लोकसभा में जाऊंगी। ये मन में एक लक्ष्य तय करें और ये लक्ष्य तय करेंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। राजनीति में भागीदारी महिलाओं के लिए इसलिए भी जरूरी है कि जब एक महिला अपने घर को ठीक से संभाल सकती है, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालती है, वो परिवार में लगभग रोज 70 काम करती है जिसकी कोई कहीं देती नहीं, और अगर उसके लिए अगर हम कोई एक काम करने के लिए किसी को रखें तो पता नहीं कितनी उसकी तनख्वाह बन जाएगी। महिलाओं का जो समर्पण है, महिलाओं का जो परिवार के प्रति प्यार है, बच्चों के लिए जो स्नेह है, जो बच्चों की एक आदर्श माँ है, गुरु है, तो वो देश के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकती। उसका मैनेजमेंट इतना तगड़ा होता है, ये मैं नहीं कह रही, हमारे पूर्व मानव संसाधन मंत्री जोशी जी कहते थे जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी कि अगर मैनेजमेंट सीखना है तो गाँव की महिलाओं से जाके सीखना।
जो हम बड़े बड़े कॉलेजों में मैनेजमेंट ले रहे हैं वो गांव की महिलाओं से सीखे, वो किस तरह सुबह 4 बजे से उठ के और रात के 8 बजे तक 9 बजे तक अपने परिवार को संभाल रहे हैं। बहनों, सबसे पहले तो परिवार से ही हमारा आकलन कम हो जाता है। मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से कहती हूँ, बेटा बेटी का जो भेद होता है वहीं से एक बच्ची का आकलन हम कम करते हैं। अरे ये जो बेटी है इसे तो दूसरे घर जाना है, इसे ज्यादा पढ़ा के क्या करेंगे, इसको ज्यादा खिला के भी क्या करेंगे, ये जल्दी बड़ी होगी, जल्दी शादी होगी। लेकिन जिस परिवार में बेटी और बेटे में अंतर नहीं रखा जाता, उस परिवार की बेटी 100% आगे बढ़ती है। उसको बचपन से ही ये कहा जाए कि ये मेरी बेटी है, ये इस क्लास में पढ़ रही है, ये हो जाती है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता चला जाता है और वो उन कामों को करने लगती है जो उसका भाई कर रहा है। उसको लगता है कि मेरा भाई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं अपना उदाहरण इसलिए देती हूँ कि मैं घर में एक बहू थी, मैंने देखा, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि आपका भाई कुछ आने वाला, मैं कुछ भी नहीं थी। आज से 25 साल पर आपको बात कर रही हूँ, एक मतलब हमारे पास थे, उनकी अचानक डेथ हो गई, उनकी पत्नी को बाई इलेक्शन लड़ाया गया, जो बिल्कुल सीधी एकदम अनपढ़, जिनको कुछ पता ही नहीं था, जो बोल नहीं सकती थी, और वो मीटिंगों में बैठती थी और बाद में चुनाव जीत गई। हमें भी कभी कभी मौका मिल जाता था अपनी कॉलोनी की जो मीटिंग होती है उनमें जाने का। मैं ये सोचती थी मैं कि जब एक अनपढ़ महिला हमारी पार्षद बन सकती है तो हमको पढ़े लिखे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को। मैं सही बता रही, वो महिला में भी ये प्रेरणा बनी और ऐसा एक दौर आया कि 74वां संशोधन लागू हो गया, महिलाओं का इसमें अपने मेयर और पार्षद में अपना कोटा तय हो गया कि 33% महिलाएं मेयर बनानी है, पार्षद बनाने हैं, उसमें आगरा से हमारा नंबर आ गया और हम आगरा के मेयर बन गए। तो ये एक अंदर से जो अपराण होनी चाहिए, अंदर से जो एक जुनून होना चाहिए, राजनीति में आने के लिए कोई आपको प्रेरित नहीं करेगा। भाई पुरुष वर्ग तो यही चाहता है ना कि हम ही आगे बढ़े, महिला तो घर के काम के लिए ठीक है, तुम तो घर में ठीक हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, वो ऐसे उड़ाते दिए जाते। लेकिन जो बैठी थी मेरी बहन, जिन्होंने तो आज ये यहाँ पर मेरे हाथ से और हमारी विधानसभा अध्यक्ष आपने जो एक मेमोरेंडो लिया है, जो चित्र लिया है स्मृति, आप इसे याद रखें, ये केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। आप लोगों को अगर राजनीति में आना है, आगे बढ़ना है, तो आज से ही, अब तो पता नहीं मुझे चुनाव शायद अप्रैल या मई में होंगे, आप उसमें कितनी अपनी भागीदारी निभा पाएंगी। अभी मैं कविता से पूछ रही थी कि जिन बहनों को तुमने दिया है कितनी सक्रिय है सामाजिक क्षेत्र में, कह रही थी कि मैंने उन्हीं को बुलाया है तो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है, जिनकी अपनी एक पकड़ है, एक पहचान है। तो मैं तो बहनों यही कहूँगी कि आप प्रयास करिए, आप जिस पार्टी से आई हैं अपनी पार्टी में प्रयास करिए, आप जहाँ अपनी बात कह सकती हैं कहिए, आप उनको अपना पूरा समीकरण बताइए कि हम क्यों जीत सकते हैं, या हमारे जो विरोध में कोई कुछ भाई है वो क्यों नहीं जीतेगा और मैं क्यों जीतूंगा, आप अपना पूरा आकलन बताइए। देखिए आप अपनी बात को ईमानदारी से रखेंगे, किसी की बुराई मत करिए, मैं ये भी कह रही हूँ, दूसरे की बात मत बताइए कि उसमें ये अवगुण है वो ऐसा है, आप केवल अपनी बात कहिए, अपने संगठन में जहाँ भी बैठे आपकी बात को निश्चित सुना जाएगा। और अब तो हर पार्टी अपने सर्वे कराती है, अगर आप उनके सर्वे में कहीं फिट हो गई, जिसकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि आप जितनी बहने 25 बहने हैं तो इनमें से 2-4-5 को तो संपर्क मिल ही जाएगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन बहनों ईमानदारी से आपको अपना काम करना पड़ेगा, अपने घर में अपने जो निर्णय होते हैं, चाहे शादी ब्याह के हों, चाहे बाजार के हों, चाहे बेटी के संबंध का हो बेटे के, उसमें भी अपनी भागीदारी बराबर रखें। आप ही अपने पति से कहिए, नहीं
मैं भी अपनी बेटी के लिए बरकत देखूं, मैं भी देखने जाऊंगी मेरी बेटी के लिए जो तुम देख रहे हो, मैं भी तो देखूंगा कैसे रखेगा मेरी बेटी को, या मेरे घर में बहू आगे वाली है कैसी है, मैं भी तुमसे बात करूंगा क्यों। जब तक आप अपनी बात को दृढ़ता से नहीं रखते हैं कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए और अंदर अपने लिए लक्ष्य लेकर ही रखिए कि हमें राजनीति करनी है। अब नहीं तो फिर सोचा कि कुछ ना कुछ चुनाव तो आते रहते हैं, कभी लोकसभा आ गई, विधानसभा आ गई, स्थानीय निकाय आ गए, तो आप लगातार चलती रहिए। बहनों मैं यहाँ पर मैं आज आपके सामने अगर गवर्नर के रूप में हूँ तो वो मैं एक दिन में नहीं बनी, ये मेरे बचपन का सपना था। राजनीति में आई, राजनीति में भी मैंने हो सकता है अच्छा काम किया होगा शायद, इसलिए आज मुझे राज्यपाल उत्तराखंड बनाया गया। और बस एक बात समझ लो कि आप किसी से कम नहीं हो, आपको जो दायित्व दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा, आप उसे अपनी पूरी क्षमता से करेंगी, पूरे दृढ़ता से करेंगी और पूरी ईमानदारी से करेंगी। और जो अभी हमारी जज बता रही थी, जो आज समाज का एक माहौल बदलता जा रहा है, एक मानसिकता बदलती जा रही है, छोटी बच्ची हो जो भी समस्या है, व्यवचार जो भी ये जो हो रहा है, उसमें भी आप लोगों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। आप जागरूकता अपने शिविर लगाइए, उन जो उनके माता पिता को समझाइए, जो बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं उनको जागरूक करिए कि आप जो जिस तरह के ये कृत्य हो रहे हैं इनको रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। किसी की भी बेटी तुम्हारी बहन है, अगर इस तरह की जागरूकता शिविर आप लगाएंगी, महिलाओं को जागरूकता शिविर लगाएंगी, जनसाद को बुलाइए, कोई बढ़िया महिला बंदी मिलती है उसको बुलाइए, उसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं ये भी बताइए। आज बहनों समाज में जितनी हमारे भाइयों की आवश्यकता है उतनी आप लोगों की भी आवश्यकता है। कोई काम एक अकेला कहते हैं ना, कोई गाड़ी एक पहिए से नहीं चले, जब तक उसके दोनों पहिए नहीं चले कोई सवारी नहीं चल पाएगी। इसलिए आप यहाँ आई हैं, अच्छा है मुझे भी मिलने का मौका मिला है, लेकिन आप जिस जिस क्षेत्र से आई हैं, आपको जो जो भी वहाँ समस्याएं नजर आ रही है, थोड़ा सा दृढ़ता से उस पर नजर रखिए, अपनी कोई एक टीम खड़ी करिए, कहीं जो भी कांड हो तुरंत SSP SP से मिलिए, DM से मिलिए, थानेदार से मिलिए, नहीं तो बैठ जाओ कहेंगे कि आज हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए इस महिला के साथ, ये गलत हुआ है। अगर ऐसे निर्णय आप लेंगी तो मैं समझती हूँ राजनीति में आप बहुत आगे बढ़ेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी दूर दूर से आई हैं, धौलपुर तक से आई हैं, बहने अलवर से भी आई हैं, आप सब राजनीति में आगे बढ़े, आप टिकट मांग रही हैं, ईश्वर करे सब मांग रहे हैं सबको मिले और सब लोकसभा में बैठे इन्हीं शब्दों के साथ।